नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज बिहार शिक्षक बहाली जो होने वाली है आप सभी की BPSC के द्वारा, उसका एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। आप लोग को पता हो गया होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो आप सभी की एग्ज़ाम है BPSC शिक्षक वाली, वो आपकी 19, 20, 26 और 27, जी हाँ 19, 20, 26 और आपकी 27 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें 1-2 लेकर के 12 क्लास तक आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। 4 दिन आपकी एग्ज़ाम चलेगी दोस्तों, है ना। 19, 20, 26 और 27 तारीख को ये डेट की घोषणा आपकी हो गई है। तो इसी अनुसार से आपके पास अभी 2.5 महीना मान के चलिए तो समय है ही, है ना। तो इतने दिन में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास बहुत समय पर्याप्त है। 2-4 दिन में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, और हमारे यहाँ आपकी तैयारी भी चल रही है। समान अध्ययन 9-10 की और 1-5 की आपकी तैयारी हो रही है। तो ये टेस्ट नंबर आपका 16 होने वाला है सामान्य अध्ययन का, और इसके पहले 15 टेस्ट हम लोग पूरा कर लिए हैं। तो 15वां टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके सामान्य अध्ययन, यहाँ पर कुछ साइंस के भी सवाल हैं आपके, और जो जनरल आपका नॉलेज है उससे संबंधित आपका ये महत्वपूर्ण 50 सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये क्लास 1 से लेकर के 12 क्लास तक सभी के लिए आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डेली आपकी जो क्लास चलती है वो 3 PM से लाइव चलती है, है ना। 3 बजे से आपकी डेली लाइव क्लास चलती है, और एक हमारी NCERT वाली सीरीज चलती है रात में 9 बजे से, ठीक है। तो 3 बजे से आप हमारे क्लास में डेली जुड़ जाना है, है ना। और इसके अलावा आज है टेस्ट नंबर आपका 16, महत्वपूर्ण दोस्तों 50 सवाल यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इसी प्रकार के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो भाई साहब, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है 7857824310, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाना है। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, जल्दी से सभी लोग आ जाइए, 3 बज गई है, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। कैसे इसमें जुड़ना है दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें जुड़ने का अभी मात्र 499 इसमें चार्ज है, है ना। 499 आपको इसमें चार्ज है, जो आपको ऑनलाइन पे करके भेजना होगा। तो ये नंबर आपको दिख रहा है, यही नंबर हमारा फ़ोनपे भी है, और यही नंबर आपका गूगल पे भी है, ठीक है। और यही नंबर आपका पेटीएम भी है, यही नंबर आपका व्हाट्सएप भी है, यही नंबर आपका बात भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आपका कॉल भी कर सकते हैं। तो सभी नंबर आपका यही है, इस नंबर को सेव कर लेना है, और 499 का इसमें पे करके व्हाट्सएप पर हमारे स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और ये ऑफ़र आपका है, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपका फ़ी फिर बढ़ सकता है। तो सभी लोग इसमें पहले से आप जुड़ जाइए, है ना। बहुत सारे लोग इसमें ग्रुप में जुड़ गए हैं, फिर आपको PDF, वीडियो, नोट्स, लाइव क्लासेस, सभी चीज़ आपको वहां पर मिलते रहेगी। कोई भी अलग से चार्ज आपको लगने वाला नहीं है, कोई मंथली चार्ज नहीं है, मात्र एक बार आपको 499 का आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ये समझ गए कैसे आपको पे करना है, है ना। आप किसी दूसरे नंबर से भी पे कर सकते हैं, है ना, जो आपका व्हाट्सएप नहीं है तो किन्हीं का व्हाट्सएप दूसरा रहता है, फ़ोनपे दूसरा रहता है, तो आप दूसरे से भी कर सकते हैं, है ना। किसी मित्र से भी करवा सकते हैं, आप साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीन शॉट दोस्तों व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आपने पेमेंट किया है, और आपको फिर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आपको पर्सनली पीछे की जितनी क्लास हो गई, जितने टेस्ट हो गए हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा। हमारे यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी चल रही है, है ना, 9-10 की, है ना। 9-10 में आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा 50 नंबर का जो आपको पूछे जाएगा उसका भी आपको तैयारी हो रहा है। पेपर फर्स्ट में जो आपका हिंदी इंग्लिश है उसकी भी चल रही है ना। तो वहाँ पर तो खाली आपका 30 मार्क्स लाना है पेपर फर्स्ट में, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ख़त्म हो गया निगेटिव मार्किंग पेपर वन में, है ना। तो उसमें 30 नंबर लाना है, तो आराम से आप पास कर जाइएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए आज की क्लास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग आ गए हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब आप सभी लोग दीजिएगा फटाफट, अपना अपना कमेंट करते चलिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की रहने वाली है। दोस्तों वो किस राज्य की रहने वाली है, ऑप्शन ए है आपका बिहार, ऑप्शन बी है आपका यूपी, ऑप्शन सी है आपका MP, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा।
तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वह किस राज्य की रहने वाली है? तो वो है दोस्तों अपना बिहार की। ये बहुत गर्व की बात है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करेंट अफेयर के व्यू से भी आपको ये सवाल आपको पूछेगा, करेंट अफेयर भी कुछ सवाल आपको पूछा जाएगा, करेंट अफेयर भी हम करवा देंगे है ना, और पीछे हम करवाए भी हैं करेंट अफेयर, जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 2022 वाला लगभग पूरा करवा दिया गया है ना, 2023 वाला हम करवा देंगे, 22 वाला भी कुछ कुछ हम फिर से करवा दिएंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया, जी हाँ वो भारतीय एकमात्र कौन है जिन्हें नोबल प्राइज दिया गया दोस्तों, किस क्षेत्र में? तो रसायन के क्षेत्र में है ना, नोबल प्राइज जो दिया जाता है टोटल 6 क्षेत्र में आपको दिया जाता है नोबल पुरस्कार है ना, आपको पता होगा है ना, और ये किसको दिया गया है? तो ये हैं आपके ऑप्शन, आपको पढ़ना है, जल्दी से इसका जवाब देना है। एंसर क्या होगा जी? वेंकट रमन, रामकृष्णन, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वीएस नायपॉल या हरगोविंद खुराना। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका तीन नंबर। तीन नंबर है कि पंचरात्र संबंध किस धर्म से है? तो वैष्णव से है, जैव है, जैन है या बौद्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा है ना, वैष्णव, शैव, जैन या फिर बौद्ध? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलना है ना, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, और अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, जितना ज़्यादा आप तैयारी कीजिएगा है ना उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में सुमेलित करना है ना, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जैसे कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है, ये आपको यहाँ से मिलान करना है। तो देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इस प्रकार के सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी ऐसा सवाल बहुत सारा पूछेगा आपको है ना फंसाने के लिए। तो ए का हो जाएगा दोस्तों आपका, प्लाज्मा जो है ना ये पणजी में है, ठीक है, प्लाज्मा कहाँ है? तो प्लाज्मा है आपका सॉरी प्लाज्मा पणजी में नहीं है, है ना, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा ये गांधीनगर में है आपका है ना, प्लाज्मा जो है गांधीनगर गुजरात में है, और राष्ट्रीय समुद्र है ना, समुद्र वाला दोस्तों पणजी में है आपका, तो ये हो जाएगा चार का बी हो जाएगा, ठीक है ना, समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये पणजी में है, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो खाद्य वाला अगर पूछे तो खाद्य वाला आपका मैसूर में है, और मौसम विज्ञान आपका दिल्ली में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक, चार और आपका दो, तीन है ना, एक, चार, दो, तीन। अब एक, चार, दो, तीन देखिए आपको इसमें मिलाना पड़ेगा, एक, चार, दो, तीन किस में है? एक ये वाला नहीं होगा, एक, चार, दो, तीन है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही। तो ये आप याद रखिएगा, चारों पूछा जाता है, प्लाज्मा कहाँ है दोस्तों? तो ये गांधीनगर में है, समुद्र विज्ञान कहाँ है? तो ये पणजी में है, और खाद्य वाला कहाँ है? तो मैसूर में है, और मौसम विज्ञान कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। कई बार अलग अलग करके भी पूछ लिया जाता है और साथ में भी लाने के लिए भी दे दिया जाता है। चलिए वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा आप सभी लोग, जितने लोग आ गए हैं है ना। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ आपका ऑप्शन है 7 मई, 12 जून, 9 मई या फिर 14 जून, विश्व रक्तदान दिवस। तो रक्तदान दिवस कब मनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, यानी कि 14 जून को मनाते हैं है ना विश्व रक्तदान दिवस। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर कि ग्रेफिन क्या होता है? बताइए ग्रेफिन क्या होता है? कार्बन का मिश्र धातु होता है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का संभारिक होता है, या कार्बन का समस्थानिक होता है? देखिए ग्रेफिन जो होता है ये कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना फटाफट कॉमेंट करते चलिएगा, कॉमेंट करने से ना आपको याद हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने किसका आंसर गलत दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर कि हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा? जी हाँ कई बार पूछा गया सवाल है कि हाइड्रोजन के जलने से क्या बनता है? पानी, ऑक्सीजन, राख या फिर बर्फ? तो 7 का क्या हो जाएगा? H2O है ना, H2O यानी कि हाइड्रोजन को जलाइएगा तो ये पानी बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? H2O मतलब पानी बनेगा। अगला है आपका 7 हो गया आपका। 8 नंबर सवाल देखिएगा, 8 नंबर है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? बताइए किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? लिथियम का, ऑक्सीजन का, यूरेनियम का, किसका होगा?
हाँ ये एक ऑप्शन और है आपका पोलिनियम, है ना, एक ऑप्शन और है आपका पोलिनियम, तो ये भी आप देख लीजिएगा, डी नंबर ऑप्शन है आपका पोलिनियम। तो निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका पोलिनियम ही आपका राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नाइन नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है जी, कि सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन आपका जर्मेनियम कार्बन, सिलिकॉन जर्मेनियम कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ती है प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगा, ये बढ़ेगी, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, ये बढ़ेगी या घटेगी, या पहले बढ़ती या फिर घटती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो नाइन का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर घटती है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दस नंबर सवाल कह रहा है कि न्यूटन के किस गति के, जी हाँ, न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो प्रथम गति, द्वितीय गति, तृतीय गति, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना, तो न्यूटन के किस गति से दोस्तों, है ना, किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो क्या होगा आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि अल्फा कण, है ना, अल्फा कण द्रव्यमान हीलियम की एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है, है ना, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम की एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोट्रॉन, या फिर दो पॉजिट्रॉन, क्या होगा, ग्यारह का आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो प्रोटॉन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं है, जी हाँ, तो ट्रिपल जो वैक्सीन है डीपीटी, जिसमें कौन सा एक नहीं है, डिप्थीरिया, पीलिया, पर्टुसिस, या फिर टिटनेस, क्या होगा, तो इसमें डिप्थीरिया है आपका, पर्टुसिस भी है और टिटनेस भी है, पीलिया इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ना, ये इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के लिए रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जी हाँ, वो कौन सा रुधिर वर्ग है जिसमें कोई भी प्लाज्मा नहीं होता है, कोई मतलब रुधिर प्लाज्मा में दोस्तों कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, है ना, आपका जैसे ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या फिर ओ है, क्या होगा आंसर, तो वो आंसर हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ए बी, है ना, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर कि निम्न में से कौन सा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए होता है, तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, पीसीआर होता है नहीं, है ना, रिपा होता है ये भी नहीं, CD4 होता है नहीं, एलिसा टेस्ट होता है, है ना, अगर एड्स का पता करना है तो एलिसा टेस्ट करना पड़ेगा आपको। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अच्छा तो यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना था ना 14 का, ठीक है, इसमें मिलान करना था एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा तो आपका होगा ही, एलिसा के अलावे दोस्तों CD4 जो है ना ये भी आपका एड्स के लिए ही होता है और PCR भी इसी के लिए होता है, रीपा इसके लिए नहीं होता है, तो 1, 3, 4 यहाँ पर तीनों आंसर हो जाएगा ना, इसको मिलाने वाला दिया था आपका, ऐसे तो एलिसा ही आपको ज़्यादा करके पूछा जाता है, लेकिन केवल 1, 3, 4 यहाँ पर तीनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका कि हेलोफाइट्स होता है, है ना, हेलोफाइट्स दोस्तों क्या होता है बताइए जी, हेलोफाइट्स क्या होता है, यानी कि वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, नहीं, वे पौधे जो शुष्क स्थान पर उगते हैं, नहीं, ये भी गलत है, और सी नंबर ऑप्शन है कि वे पौधे जो न तो बहुत सुस्त और न ही नम जगह पर उगते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, वह पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, जी हाँ, इसी को कहते हैं हेलोफाइट्स, यानी कि जो लवण में उग जाते हैं, यानी कि नमी मतलब कि नमक युक्त जो आपका जल होता है उसमें उग जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की
प्रकाशिक अभिक्रिया इन क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक जो अभिक्रियाएं हैं वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होता है, ये सवाल है। तो ऑप्शन है आपका ग्रेना, या फिर ऑप्शन है आपका अस्टोमा, या फिर है क्रोमोप्लास्ट, या फिर है ल्यूकोप्लास्ट। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों कहाँ पर संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है आपकी ग्रेना में, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, काफ़ी अच्छा अच्छा सवाल यहाँ पर लिए गए हैं, है ना, ताकि आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर थोड़ा हार्ड सवाल लाइए, तो लीजिए भाई साहब, हार्ड सवाल आपका आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो केंद्रक में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर आपको फॉस्फोलिपिड्स, या फिर आपका DNA, क्या होगा? तो कौन सा जो पदार्थ है वो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दी आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका प्रोटीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में, जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा है, तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था दोस्तों वो कौन था? तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, है ना, आपको पता होगा कि लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, है ना, बकलोल लोदी, अब याद रखिएगा। तो ये बहलोल लोदी था जो इन्होंने सबसे अधिक शासन किया था, और इसका आप आंसर यही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? जी हाँ, तो अमुक्त माल्यद लिखी गई है, ये किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा लिखी गई है, है ना, एक पुस्तक है देवराय द्वितीय के द्वारा, या फिर अच्युत आपका देवराय के द्वारा, या फिर कृष्ण देवराय के द्वारा, या फिर देवराय प्रथम के द्वारा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि कृष्ण देवराय के द्वारा ये लिखी गई थी। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न आपका है 20 नंबर, कह रहा है कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, शेर शाह के बारे में, है ना, कौन सा कथन असत्य है? तो कथन मैं देख लेता हूँ, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, ये तो आपका बिल्कुल सही चीज़ है, है ना, ये सही है आपका। शेर शाह अपने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है, है ना, इन्होंने 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। और तीसरा है कि शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है? नहीं, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में नहीं है, तो इसका शेर शाह का मकबरा है आपको सासाराम में, ठीक है, सासाराम में है आपको शेर शाह का मकबरा, याद रखिएगा। और डी नंबर है कि शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज, जी हाँ, ये दोनों इन्होंने ही प्रयोग किया था, सन की डंडी और सिकंदरी गज, ये शेर शाह के द्वारा ही प्रयोग किया गया था आपको, है ना, भूमि को नापने के लिए, है ना, पैमाइश के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया जी आपका सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर, देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर देना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आप लोग देखते हैं और फिर चले जाते हैं, बताइए ऐसा क्यों करते हैं, है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, उससे कोई पैसा तो लगेगा नहीं आपको, है ना, और भी आपको इससे और क्या होगा, तो फ़ायदा होगा, है ना, इससे कोई घाटा होने वाला नहीं है, तो कोई पैसा सब्सक्राइब करने के लिए लग नहीं रहा है, और ना ही लाइक करने का कोई पैसा लगता है, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा एक और सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, है ना। चलिए उत्वी कौन था बताइए, उत्वी दोस्तों कौन था? तो ऑप्शन है आपका उत्वी कौन था, ऑप्शन दिया गया है कि एक इतिहासकार था, या एक सैनिक था, या प्रसिद्ध शासक था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्वी जो दोस्तों था एक सैनिक था आपका, है ना, आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर, सिजदा तथा पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सिजदा तथा पैबोस की जो प्रथा की शुरुआत हुई थी वो किसने किया था, इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी, या फिर अकबर। तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न मैं चलता हूँ आपका 28 नंबर, फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलें। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ मिलता है? तो कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ मिलता है? किताब उल रेहला में, किताब उल हिंद में, या फिर तुगलकनामा में, या फिर राज तरंगनी में। तो किस में हो जाएगा दोस्तों? तो कश्मीर का जो क्षेत्रीय इतिहास मिलता है वो राज तरंगनी, और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो कल्हन के द्वारा आपका ये लिखा गया था, याद रखिएगा, है ना, कल्हन के द्वारा ये लिखा गया है राज तरंगनी।
नेक्स्ट है आपका 25 नंबर कि सीताध्यक्ष का संबंध किससे था। जी हाँ, सीताध्यक्ष जो था ना, ये क्या था, एक प्रशासनिक विभाग था या फिर धार्मिक विभाग था या धार्मिक कर था या फिर आपका व्यवसाय विभाग कर था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीताध्यक्ष मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये भूमि कर था दोस्तों, है ना, क्या था, एक भूमि कर था। आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आपका 25 नंबर, और लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 50 में कितना सही किया, है ना, 50 में कितना सही किया। अगर आपका 30 से 35 अगर सही हो जाता है तो मान के चलिए आपका बहुत अच्छा है ना, आपकी रिजल्ट 100% हो जाएगी अगर 30-35 भी आप यहाँ से सही कर लेते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। जी हाँ, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में यानी कि MSP के बारे में, है ना, ये भारत सरकार को सिफारिश करता है, वो कौन सा संस्थान है दोस्तों, नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्या होगा जी। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो समिति है जो FRBM अधिनियम से संबंधित है। बताइए FRBM अधिनियम से कौन सा समिति संबंधित है दोस्तों, रघुराम राजन समिति या फिर विजय केलकर समिति या फिर बिमल जलान समिति या फिर NK सिंह समिति, है ना। NK सिंह कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह ही हैं और यही संबंधित है दोस्तों FRBM से। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, 27 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना या आसान कृषि ऋण या खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना या किसानों को प्रशिक्षण देना, क्या होगा जी। तो क्या होगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है आपका खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, निम्न में से कौन RBI के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो RBI के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन से हैं, है ना, वैधानिक तरलता अनुपात या फिर नगद आरक्षित अनुपात या फिर खुले बाजार की क्रियाएं। तो देखिए ये तीनों चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये RBI के मौद्रिक नीति के उपकरण हैं, है ना, यानी कि एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा जी, एक और दो और तीन, तीनों हो जाएगा। तो ए भी नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। डी कहाँ गया, तो डी नंबर आपको यहाँ पर नीचे में दिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका जी 29 नंबर प्रश्न है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में, वित्त आयोग, वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है, तो 280 में है। कह रहा है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और दो सदस्य होते हैं, कौन सा यहाँ पर कथन गलत है ये पूछ रहा है ना, कौन कथन गलत है ये पूछना है। तो पहले ये चीज़ आप देख लीजिएगा कौन सा कथन गलत है। तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। अगला है कि इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। अब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है दोस्तों, देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और दो सदस्य, एक अध्यक्ष तो होगा, दो सदस्य नहीं होता, ये गलत है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के तहत तय होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है, इसकी नियुक्ति हो सकती है, है ना। तो दो नंबर ऑप्शन आपका सही है और एक और तीन आपका गलत है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, और गलत हमसे पूछ रहा था। अगला प्रश्न चलते हैं आपका, प्रश्न नंबर है आपका 30। जी हाँ, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है, है ना, यहाँ भी आपको गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, सबसे पहले इस पर आप ध्यान दीजिएगा और उसको अंडरलाइन कर लेना है अपने एग्जाम हॉल में, ताकि आपको उसको उस पर ध्यान जा सके। प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही जवाब है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं और उसके अध्यक्ष जो हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, नहीं, पुनः नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों, ये ऑप्शन आपका
पुनः नियुक्त, अच्छा कह रहा है कि पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। जी जी ये भी आपका बिल्कुल सही है, उनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नहीं, सभी चीज़ आपको इसी से दिया जाता है और गलत आपका ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, है ना। पेंशन जो है वो भी आपके राज्य के संचित निधि से ही मिलता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर आपका। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास है, तो ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 31, तो इसका आंसर क्या हो गया जी, सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर की अनुच्छेद 54, है ना, तो आपको पता है कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक दोस्तों राष्ट्रपति के वर्णन किए गए हैं, है ना, 52 से लेकर के 62 तक, 52 में उनके पद है, तो पूछ रहा है कि अनुच्छेद 54 में किसका वर्णन है, है ना। अनुच्छेद 54 के बारे में कई बार बता चुका हूँ, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वर्णन किया गया है आपका अनुच्छेद 54 में, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर, है ना, 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, और सही ही हमसे पूछ रहा था, तो एक नंबर भी सही है, दो नंबर भी सही है। एक नंबर में क्या कह रहा था कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर, है ना, क्वेश्चन में बहुत जान है भाई साहब, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, जी हाँ एकदम बीपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है, तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हुई थी, डेट बताना है, तो वो डेट था आपका 24 अगस्त, है ना, 24 अगस्त 1946, ठीक है, 24 अगस्त 1946, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों आपका 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संबंधित सभा का गठन हुआ था, तो निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान सभा है ना, तो संविधान सभा का गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना, है ना, है ना, कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था कब, 1946 में, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों, तो 1942 में, ये भी याद रखिएगा, है ना। और एक साइमन कमीशन के बारे में पूछा जाता है, तो 1928 में आया था आपका भारत, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 35 नंबर, कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से दोस्तों अलग किया गया है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, है ना, क्योंकि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया, ये सवाल है आपको, है ना। तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था, 1909 के अधिनियम के द्वारा, तो ये बिल्कुल गलत है, 1909 में क्या हुआ था, है ना, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। अगला है बी नंबर की भारत शासन अधिनियम 1919, ये देखिए आपका बिल्कुल सही है, भारत शासन अधिनियम 1935 गलत है, इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 दोस्तों, इसी के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों सबसे लंबी है, जी हाँ, तो सबसे लंबी पूछ रहा है आपको बड़ी, है ना, तो लंबी सबसे कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, हिमालय, रॉकी, आल्प्स या फिर एंडीज पर्वत, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, एंडीज जो है ना, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और ये है कहाँ जी, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, है ना, दक्षिण अमेरिका में है आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला, बहुत ही लंबा है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए और ऊंचा अगर पूछा जाए तो ऊंचा हो जाएगा आपका हिमालय, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, बताइए कौन सा सुमेलित है यहाँ पर, जैसे कि रेडक्लिफ लाइन, जी हाँ, तो रेडक्लिफ लाइन जो है ना, ये सीमा रेखा है, किसके किसके बीच है रेडक्लिफ लाइन, तो
भारत और पाकिस्तान के बीच है, चाइना नहीं, भारत और पाकिस्तान हो जाएगा आपका, है ना, सही पूछ रहा था, तो ये भारत पाकिस्तान हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा किसके किसके बीच है जी, भारत और पाकिस्तान, नहीं, तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पहले ये था आपका भारत और अफगानिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया है ना, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहाँ पर आप कर लीजिएगा, है ना, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैगी नॉट रेखा, जी हाँ, मैगी नॉट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये आपका बिल्कुल सही है। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है दोस्तों, तो आपको ये आपको कमेंट करना है कि हिंडनबर्ग रेखा है जो ये किसके किसके बीच है, है ना, किसके किसके बीच है हिंडनबर्ग रेखा, ये आपको कमेंट करके बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, है ना, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर, कह रहा है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। देखिए जब भी भूकंप आती है ना, तो वो तीन प्रकार की तरंगे निकलती है, ठीक है, चार प्रकार की पी तरंगे, चार प्रकार की, तीन प्रकार की निकलती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तीन प्रकार की तरंगे निकलती है दोस्तों जब भूकंप आता है, ठीक है, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, कौन कौन सी, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तीन प्रकार की तरंगे निकलती है। और यहाँ पर सवाल कह रहा है कि सबसे अधिक विनाशकारी, यानी कि कौन सी तरंगे है जो सबसे अधिक विनाश पहुँचाता है, वो है दोस्तों आपका एल तरंगे, है ना, एल तरंगे जो होता है ना वो पृष्ठीय तरंगे होती है, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपका पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, 39 सवाल दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है ना, उपसौर और अपसौर आप पढ़े होंगे, उपसौर है ना, उपसौर और एक पढ़े होंगे आप अपसौर, तो जी हाँ अपसौर की घटना कब होती है, तो 4 जुलाई को होती है, कब होती है, 4 जुलाई को होती है, और उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को होती है, ठीक है, है ना, 3 जनवरी को क्या होता है जी, है ना, 3 जनवरी को क्या होता है ये आपको बताना है, इस घटना में क्या होता है, तो इस घटना में होता है कि इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, नहीं नहीं ये गलत है, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होगा, नहीं नहीं ये भी गलत है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होगी, ये बिल्कुल सही है, है ना, यानी कि 3 जनवरी को क्या होता है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे नज़दीक आ जाती है, यानी कि न्यूनतम दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है, है ना, ये कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक कब होता है भाई साहब, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को, है ना, 4 जुलाई को, और इसको कहते हैं अपसौर, है ना, अपसौर, अप मने क्या होता है ऊपर, आप याद रखिएगा अप मने ऊपर, तो ये पृथ्वी है और ये है सूर्य, तो इसके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगा अगर सूर्य ऊपर चल जाएगा तो, है ना, तो ये अप याद रखिएगा, जब अप पूछे अपसौर तो हो जाएगा 4 जुलाई और इसकी दूरी बढ़ जाएगी, और उपसौर तो ये दूरी घट जाएगी, ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न चलते हैं 40 नंबर, 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, देखिए दैनिक तापांतर का मतलब क्या हो गया, दैनिक मतलब क्या होता है दिन में, है ना, दिन भर में कितना तापमान में अंतर, तापांतर मतलब ताप में अंतर, यानी कि देखिए आप चले जाइए पूर्वी घाट तो ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा, आप चले जाइए अंडमान द्वीप तो आपको वहाँ भी अंतर नहीं दिखेगा, है ना, आप लद्दाख चले जाइए तो लद्दाख में भी कोई खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन दोस्तों आप थार के मरुस्थल में चले जाइए तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अंतर मिलेगा, लगभग 40 डिग्री का अंतर आपको दिन से रात में आपको मिल जाएगा, है ना, जहाँ रात की टेम्परेचर दोस्तों 10 डिग्री लगभग पहुंच जाता है, 10-15 डिग्री, है ना, 10 से 15 से 20 डिग्री पहुंच जाता है, वहीं दिन का टेम्परेचर आपको 50 डिग्री पहुंच जाता है, है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर होता है कहाँ, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला सवाल है आपका 41 नंबर, 41 है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी यानी कि स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दिया था, जी हाँ, तो गौतम बुद्ध दोस्तों जो महिलाएं थी उनको प्रवेश की जो अनुमति दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में या फिर पावापुरी में, तो ये दिए थे आपको वैशाली में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जितने आ गए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो इसको लाइक करते भी चलना है, और डेली आपकी 3 बजे क्लास होती है तो 3 बजे बिल्कुल आपको तैयार रहना है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, वहाँ से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है कि किस चक्र के संचालन में
सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, है ना। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र या हाइड्रोजन चक्र? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि जल चक्र। ठीक है, हाँ ना, जल चक्र जो है ये सौर विकिरण के वजह से ही ना जो पृथ्वी पे बारिश हुई और वही फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के वजह से ये बारिश मतलब जो पानी है ना ये वाष्प बन के आपका चला गया, उड़ गया और फिर घनीभूत होकर के है ना ये फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पे आती है। तो सौर विकिरण का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? जी हाँ, प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन सा क्षेत्र है? तो ऑप्शन है आपका सुंदरवन, सुंदरवन जो है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो आपका है ना सुंदरवन, है ना, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दूसरा है आपका थार का मरुस्थल, तीसरा है लद्दाख और चौथा है पश्चिमी घाट। देखिए जैविक हॉटस्पॉट का मतलब हुआ कि यहाँ पर जैव विविधता पाई जाएगी, है ना, यहाँ पर क्या पाई जाएगी, जीवों की विविधता पाई जाएगी। तो वो क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता है और जैव विविधता उसी क्षेत्र में पाई जाएगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी तो वही क्षेत्र में आपको मिलेगा आपको जैव विविधता और वो क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो यह एक बंद तंत्र होता है, नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र एक बंद तंत्र नहीं होता है, एक खुला तंत्र होता है दोस्तों, और यही आपका ऑप्शन गलत है, है ना। तो आंसर नंबर ए ही हो जाएगा, लेकिन और जो ऑप्शन दिया गया इसको भी आप देख लीजिए। ऑप्शन कह रहा है कि इसकी अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल ठीक है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, ये भी ठीक है, यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी सही है, लेकिन ये बंद नहीं होता है पारिस्थितिकी तंत्र आपका। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन, जी हाँ, इसके लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है आपकी 1920 ईस्वी में और ये आपका 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड जो हुआ था, है ना, 5 फरवरी 1922 को, और उसके तहत आपका ये समाप्त कर दिया गया था। और एक सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी जो थे ये असहयोग आंदोलन को वापस कब लिए थे, है ना, तो ये 5 फरवरी को तो ये समाप्त हुआ था, मतलब ये घटना हुई थी, चौरी चौरा घटना हुई थी आपका गोरखपुर में, है ना, लेकिन ये गांधी जी इसको जो वापस लिए थे दोस्तों ये लिए थे आपको कब लिए थे, 12 फरवरी को, है ना, कब लिए थे, 12 फरवरी 1922 को इसको वापस कर दिए थे, वापस ले लिए थे इस असहयोग आंदोलन को आपका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है, किस अधिवेशन में दोस्तों ये प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये नागपुर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 46 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अहमदुल्लाह या मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी या मौलाना बशीर या फिर खुदाबख्श सिंह? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित है रेहला रुमाल षड्यंत्र, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 47 नंबर, कह रहा है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो मद्रास, मुंबई, बंगाल या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो बाल हत्या जो प्रथा ये सबसे ज़्यादा जो था दोस्तों वो था आपका बंगाल में, है ना, तो बंगाल प्रेसिडेंसी आपका बिल्कुल सही है। देखिए आज और पिछले क्लास कल भी मैंने कुछ महत्वपूर्ण आपका जो स्मरणीय तथ्य हम नोट करके लाए थे, आज भी आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य हम लाए हैं, तो इस टेस्ट के बाद आपको कहीं भागना नहीं है क्योंकि टेस्ट के बाद कुछ महत्वपूर्ण लगभग 20 से 25 30 सवाल आपका स्मरणीय तथ्य है, वन लाइनर, उसको आप जरूर याद रखिएगा, वहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, हाँ ना, इस प्रकार से डेली बाई डेली हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अलग से आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। प्रश्न है आपका 48 नंबर कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? दोस्तों इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र, और अभी तक हमारे ग्रुप पे आप नहीं जुड़े हैं तो 499 का अभी मात्र चार्ज है ना, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए 78 57 84 43 10। जी हाँ, यही हमारा नंबर है, फ़ोनपे, गूगल पे और व्हाट्सएप नंबर भी आपका यही है।
तो इसी नंबर पे ऑनलाइन पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, जहां आपको ग्रुप में जुड़ दिया जाएगा। बहुत सारे सैकड़ों लोग वहां पर जुड़ गए हैं, अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं, आप भी उसमें जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, वहां पर सामाजिक अध्ययन प्लस 1 to 5 की आपकी पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो ये रहा नंबर 7857 82 43 10, और यही नंबर फोन पे गूगल पे है ना। तो फटाफट दोस्तों इसमें आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन के बाद ये चार्ज फिर आपका इंक्रीज हो सकता है। प्रश्न था कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित किया गया था, तो ये संपादित किया गया था मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, है ना, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब है। मैं चलता हूँ अगले प्रश्न 49 है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। जी हाँ, तो किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी, वो था भारत मिहिर। जी हाँ, वो समाचार पत्र था दोस्तों आपका भारत मिहिर, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं 50 नंबर सवाल, है ना। अभी आपका टेस्ट समाप्त तो हो गया है, लेकिन कुछ हम स्मरणीय तथ्य भी लेकर के आए हैं, तो उसको जरूर आप देखना है। ठीक है, चलिए तो 50वां नंबर सवाल का जवाब देना है, और इसके बाद अपना अपना स्कोर भी सभी लोग अपना अपना कॉमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, है ना, सहायक संधि की कौन सी विशेषता नहीं है, है ना, सहायक संधि किया गया था आपको और इसकी विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, ये बिल्कुल सही है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, और अगला है कि देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी ठीक है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी आपका सही है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, ये मतलब सहायक संधि में नहीं था। चलिए तो इसका आपका बी नंबर आंसर हो गया, और इसका आपको ये आंसर दे दिया गया है, आप इसको यहाँ से अपना इसको बनाइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, तो ये रहा आज का टेस्ट, आपको कैसा लगा जरूर बताना है। और डेली लाइव क्लास आपकी 3 बजे से होती है। मॉडल टेस्ट नंबर आपकी आज 16 थी, है ना, सामान्य अध्ययन के 50 सवाल देख लिए यहाँ पर, और इसके अलावा ये हमारा नंबर है। अभी आपकी टेस्ट यहाँ पर बाकी है ना, वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो इसको अभी करेंगे, है ना, तो अभी आपको भागना नहीं है। ये समान अध्ययन के महत्वपूर्ण 50 सवाल यहाँ पर आप लोगों को करवा दिया गया, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इसमें फटाफट जुड़ जाइए ग्रुप में, है ना, 7857824310, और यही नंबर है जिस पर आपको पे करके भेजना होगा 499 का आपका। ठीक है, इसके बाद आपको PDF है, वीडियो है, नोट्स है, लाइव क्लासेस हैं, सभी चीज़ आपको मिलते रहेगी। कोई भी मंथली चार्ज आपको अलग से नहीं लगने वाला है इसमें, है ना, ये कुछ ही दिन का आपका ये ऑफर है। चलिए तो अब हम दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, वेद से संबंधित। जैसे हमारे टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है, और सबसे पुराना वेद कौन, सबसे पहले जो है वो है आपका ऋग्वेद, के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ऋग्वेद है दोस्तों, ये सबसे प्राचीन वेद है, आपको पता है, है ना। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें कि इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो इस ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जी हाँ, तो गायत्री मंत्र भी कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये सवाल कितने बार आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार। कह रहा है कि इस वेद के जो 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। कई बार पूछा गया है कि सोम देवता का उल्लेख किसमें है, तो 9वें मंडल में किया गया है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 10वें मंडल में किसका वर्णन है, तो 4 वर्णों की वर्णन की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 10वें मंडल में। इस वेद में इंद्र के लिए कितने, तो 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है।
अगला है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, गोत्र शब्द का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में हुआ है, है ना। किस वेद में? तो ऋग वेद में। कह रहा है कि इस वेद में दोस्तों गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ये भी बिल्कुल सही है, है ना। अघन्य शब्द का प्रयोग हुआ है किस में? तो आपका ऋग वेद में ही। तो ये ऋग वेद से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल थे, है ना। अब है आपका यजुर्वेद। जी हाँ, तो यजुर्वेद है दोस्तों, इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वयु कहा जाता है, है ना। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वयु कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसी वेद में मिलता है। किस वेद में? तो यज्ञ के जो नियम है, है ना, जो यज्ञ किए करते थे आपको राजा महाराजा पहले के ज़माने में, तो उसका जो नियम विधि विधान है वो आपको यजुर्वेद में ही मिलेगा। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बलिदान विधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। और वो कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है? तो वो है दोस्तों यजुर्वेद, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला जो वेद है वो है आपका सामवेद। जी हाँ, और सामवेद से संबंधित जो आपका महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्रात्री कहा जाता है, है ना, उद्रात्री कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, इस वेद को पढ़ने वालों को, यानी कि सामवेद को पढ़ने वालों को। सबसे महत्वपूर्ण ये है दोस्तों कि इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जी हाँ, तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो वो है आपका सामवेद संगीत। सामवेद संगीत याद रखिएगा। और लास्ट जो वेद है वो है आपका अथर्व वेद, यानी कि इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्व वेद औषधि, ठीक है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद को सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? तो वो है आपका अथर्व वेद में, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण वेदों से संबंधित थे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 है और उपनिषद आपका 108 है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य थे वेद से संबंधित। इसी प्रकार से डेली बाई डेली कुछ स्मरणीय तथ्य भी आप सभी के लिए हम लेकर के आएंगे, ताकि आपको वो चीज़ पूरा याद हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज की क्लास। आप इस ग्रुप में जुड़ जाना है और अपने PDF को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि इसका PDF वगैरह, जो नोट्स वगैरह है, ये सारा चीज़ आपको ग्रुप में ही दिया जाएगा, है ना। तो इसमें सभी लोग अपना पार्टिसिपेट कीजिएगा। और ये रहा आज का टेस्ट, कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर सभी लोगों को बताना है। तो ये रहा टेस्ट नंबर आज 16, ठीक है, आज का टेस्ट नंबर आपका 16 था सामान्य अध्ययन का। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि 3 बजे से डेली आपकी क्लास मिल सके। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि आज से आपकी हिस्ट्री की क्लास, है ना, आपकी आज से आपकी हिस्ट्री NCERT हिस्ट्री क्लास 6 से आपकी शुरू हो जाएगी। और ऐसे तो आपको 9-10 से ही पूछा जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक को भी लेकर के चलेंगे, है ना। क्लास 6 से फटाफट आपको क्वेश्चन आंसर ही आपका सीरीज चलेगा फिलहाल, है ना। और चैप्टर वाइज चैप्टर आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज करवा दिया जाएगा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक। ज्योग्राफी का आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, ज्योग्राफी आपका क्लास 6, 7, 8, 9, 10 आपका पूरा थ्योरी भी लाइन बाय लाइन करवा दिया गया है। उसके अलावा क्वेश्चन भी करवा दिया गया है पूरा दोस्तों। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना है, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, उसका क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, सब चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और हिस्ट्री का भी आपको सारा मिल जाएगा, पॉलिटी का भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, है ना, जो भी सब्जेक्ट है आपका उसका आप लोग को करवा दिया जाएगा। तो ये टेस्ट नंबर आपका 16 रहा। फिर मिलते हैं कल इसी समय, है ना, और इसी चैनल पर। और आज रात में भी क्लास होगी आपकी 9 बजे से हिस्ट्री वाली, तो उसमें भी सभी लोग को आप लोग को पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।